नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ये पहले पढ़ा था इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत, अब हम पढ़ रहे हैं इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत में विशाल साहित्य का सृजन हुआ। अनेक श्रेष्ठ व अद्वितीय ग्रंथ लिखे गए। बहुत से विद्वान इस धरती पर हुए और मानव जीवन का शायद ही ऐसा कोई पक्ष बचा हो जिस पर शास्त्रीय चिंतन मनन नहीं हुआ हो। हमारे साहित्य के सर्वग्राही निगूढ़ और देदीप्यमान स्वरूप को नज़रअंदाज करते हुए कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने पूर्वाग्रह युक्त यह धारणा फैला दी कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था या उनमें इतिहास की बुद्धि नहीं थी। ऐसा मानना अनेक ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना करना है एवं हमारी संस्कृति की अधूरी समझ का द्योतक है। यानी क्या समझे कि भारत में भारतीयों को इतिहास का ज्ञान था शुरू में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही इतिहास का एक गौरवपूर्ण स्थान रहा है। जैसे ब्राह्मण, खासकर शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद यानी छांदोग्य उपनिषद संहिता में ज्ञान की एक शाखा को इतिहास वेद की संज्ञा दी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिसे वेद त्रयी भी कहते हैं, और इतिहास वेद के साथ ये वेद के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास श्रवण को कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या का एक आवश्यक अंग बताया था। यानी कौटिल्य ने इतिहास की एक व्यापक परिभाषा दी। कौटिल्य के अनुसार पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका यानी कथाएं, उदाहरण यानी शिक्षा प्रद दृष्टांत, धर्मशास्त्र और शास्त्र, ये सभी इतिहास में शामिल हैं। यानी हम क्या समझे कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान था। यानी जो ये विदेशी विद्वान कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास की समझ नहीं थी, इनका ये आरोप निराधार है। वैदिक काल से ही इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। वंश, जिसमें पुरोहितों और राजाओं की वंशावलों की सूचनाएं दी जाती हैं, गाथाएं, नारा संसी, दान स्तुतियां, जिसमें राज के नायकों की प्रशंसा होती है, ये सभी एक तरह से इतिहास के आवश्यक अंग माने गए हैं। यहाँ तक कि वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग माने गए हैं। मौर्य काल से शासन की ओर से अभिलेखागारों की स्थापना की जाने लगी थी। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अक्षपटलाधिकृत राजकीय प्रलेखों का प्रधान अधिकारी जान पड़ता है। हर्ष काल में भी इतिहास लेखन के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही भारतीयों को इतिहास की जानकारी थी। अब भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को, खासकर साहित्यिक स्रोतों को, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आता है। दूसरा है धर्मेतर साहित्य, जिसमें लौकिक, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य एवं क्षत्रिय भाषाओं के ग्रंथों को शामिल किया जाता है। इतिहास जानने के स्रोतों में पहला आता है साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य की रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती हैं। ये सूचनाएँ इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब धार्मिक साहित्य को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। धार्मिक साहित्य में पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को भी
पुनः कई उप भागों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य में पहला आता है वेद। यह हम जानते हैं कि ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, वेद हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति और चिंतन की आधारशिला माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मानती हैं। तिथि के क्रम अनुसार वेद कितने हैं, चार वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। वैसे चारों वेदों में ऐतिहासिक उपयोग के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितने वेद हैं, चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद जिसमें प्रारंभिक आर्यों के भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्ष, उद्यमान राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। सामवेद जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र लिखे गए हैं। यजुर्वेद जिसमें विविध यज्ञों के संबंधित कर्मकांड और अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। अथर्ववेद की जानकारी बहुआयामी है। अथर्ववेद में आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति और आर्य संस्कृति के साथ समन्वित हो रही आर्यतर संस्कृतियों के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। साथ ही अथर्ववेद में लोक संस्कृति, जन सामान्य के धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवाह इत्यादि की जानकारी मिलती है। अब प्रत्येक वेद के चार हिस्से होते हैं, जिसे कहते हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब वैदिक साहित्य में आगे आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञों के विधि विधान को व्याख्यात करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ब्राह्मण हैं जो किसी न किसी वेद से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय व कौशित की। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश या तांड्य व जैमिनी। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्रीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद, जिसमें इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर अगला तीसरा आता है ब्राह्मण साहित्य में, पहला था वेद, दूसरा था ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों में आनुष्टिक यागिक अनुष्ठान की मानसिक व आंतरिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया गया है। ये वस्तुतः आरण्य यानी वनों में लिखा पढ़ा गए, इसलिए इसे आरण्य ग्रंथ का है। आरण्य ग्रंथों में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय आरण्यक, दूसरा है तैत्रीय आरण्यक। अगला आता है ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषद। उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत व निगूढ़ विश्लेषण किया गया है। कुल 13 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है। इस कैन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्री, ऐत्री, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशित की प्रमुख उपनिषद माने गए। फिर आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र का मतलब है संक्षिप्त व सार गर्भित छोटे वाक्य, जो वैदिक साहित्य को अच्छे से पढ़ने के लिए काम आते हैं। प्रमुख सूत्र कितने हैं, तीन। प्रमुख सूत्र कितने हैं, तीन, जिसमें प्रमुख हैं कल्प सूत्र, जिसके तीन भाग हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। फिर आता है वेदांग। कौन सा क्या आता है, वेदांग, छठा। वैदिक साहित्य के पश्चात वेदांग साहित्य, वेदों के अंग के रूप में वेदांग साहित्य का रचना की गई है। वेदांग कितने हैं, छह हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा छंद और अंत में ज्योतिष। वेदांग हैं वेदों के अंग के रूप में जिनका अध्ययन किया गया, जो काम आते हैं वह है वेदांग। वेदांग कितने, छह, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और
ज्योतिष। अंत में इसके बाद आता है स्मृतियाँ, ब्राह्मण साहित्य जो जिससे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती हैं, उसमें आता है सातवें नंबर पर स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों से मनुष्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध व शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया, शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रमुख स्मृतियाँ कौन सी हैं? मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन व देवल स्मृतियाँ। उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास जानने में। दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, प्रथम है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है, और महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई है। फिर आता है अंत में पुराण। महाकाव्यों के साथ पुराणों का भी उल्लेख इतिहास की रचना में किया जाता है। भारतीय इतिहास में आदिकाल से लेकर गुप्त काल तक की सामग्री पुराणों में संग्रहित हैं। मुख्य रूप से 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18, जिसमें प्रमुख हैं मार्कंडेय ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण हैं। बाकी शेष पुराण बाद की रचनाएं मानी जाती। इन पुराणों का विषय क्या है? 5 विषय हैं। पहला सर्ग, जो यानी सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति। तीसरा है वंश, देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्ष। और फिर चौथा है मनवंतर, यानी महायुग के बारे में। और पांचवा है वंशानुचरित, राजाओं का क्रमिक इतिहास। इतिहास की दृष्टि से पुराणों का वंशानुचरित भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में हमने पढ़ा था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है अब बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म था। बौद्ध साहित्य का सृजन भी प्रचुर मात्रा में हुआ। इस साहित्य से न केवल ऐतिहासिक महत्व की नवीन सूचनाएं मिलती हैं, बल्कि अन्य स्रोतों से ज्ञान की जानकारी का तुलनात्मक परीक्षण भी होता है। बौद्ध साहित्य पाली, बौद्ध संस्कृत और विश्व संस्कृत, इन तीन भाषाओं में मिलता है। अधिकतर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलता है। बौद्ध साहित्य में पहला स्थान आता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक का बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक बौद्ध साहित्य के प्राचीनतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये त्रिपिटक तीन हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें पहला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है। बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जीवनचर्या से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। फिर अगला आता है सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है, जो अनेक रूपकों, कथानकों और उदाहरणों के माध्यम से दिए गए। सूत पिटक के पुनः 5 निकाय हैं या संग्रह हैं, दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय। फिर सूत पिटक के बाद आता है अंत में अभिधम पिटक। क्या आता है? अभिधम पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। अभी का अर्थ है उच्चतर। अतः अभिधम पिटक में एक प्रकार से बौद्ध धर्म का उच्चतर या ऊंचे स्तर का विश्लेषण है। इन तीनों पिटकों से बुद्ध काल में या खासकर महाजनपद काल में के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है जातक ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी
दी गई है। बौद्ध परंपरा के अनुसार 550 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं में बुद्ध के काल एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक और धार्मिक स्थितियों तथा सामाजिक रीति रिवाजों पर पर्याप्त रोशनी पड़ती हैं। अगला ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो। मिलिंद पनो ये सबसे प्राचीन व सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं पाली त्रिपिटकों के बाद पाली साहित्य में लिखे गए ग्रंथों में। मिलिंद पनो में हिंद यूनानी राजा, हिंद यवन राजा मिलिंद जो मिलेंडर कहलाता था और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप का विवरण है। यानी प्रश्न उत्तर शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा, जिसमें वह हिंद यवन राजा मिलिंद या मिनेंडर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगला ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है, ग्रंथ जो महावंश और दीपवंश हैं, ये दोनों श्रीलंका के पाली भाषा में रचित महाकाव्य हैं। इसमें बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका व भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम तीन बौद्ध संगीतियों का वर्णन, महेंद्र व संगमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार इत्यादि वर्णन मिलता है। दीपवंश की रचना संभवतः 34वीं शताब्दी में हुई, इसका लेखक ज्ञात नहीं है, और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। कुछ संस्कृत भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ हैं, वह है यानी पाली भाषा के इतर संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई है। उसमें प्रमुख है महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्य अवदान, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। पहला है महावस्तु, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। यह वस्तु तो बौद्ध अनुश्रुति और सिद्धांतों का विश्वकोश कहलाता है। यह संभवतः 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? महावस्तु। एक और ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैनिक स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का संकेत भी उभरता है। अवदान साहित्य में दिव्य अवदान एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान अशुघोष की रचनाओं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद में बुद्ध के जीवन व्रत और शिक्षाओं का प्रकाश या विवरण मिलता है। कनिष्क के काल में अशुघोष की रचनाएं, बुद्ध चरित और सौंदरानंद। फिर है जैन साहित्य। इतिहास जानकारी के स्रोत में जैन साहित्य, जैन साहित्य में जैन आगम जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, ये 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र व 1 अनुयोग द्वार इत्यादि को सम्मिलित रूप से जैन आगम कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं वह प्राकृत भाषा में रचित हैं। बौद्ध साहित्य किसमें है शुरुआत का? वो है पाली भाषा में, और जैन साहित्य प्रारंभिक प्राकृत भाषा में। जैन आगमों में 12 अंग महत्वपूर्ण हैं, और जिसमें आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख, समवायक सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश, भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। जैन ग्रंथों में जैन आगम के बाद स्थान आता है निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी व टीका ग्रंथ। निर्युक्तियों में 10 ग्रंथ हैं, भाष्य में कुल 11 भाष्य हैं, चूर्णियों में 20 ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये प्राकृतक और संस्कृत भाषा के मिश्रण का उल्लेख मिलता है। टीका में जिसमें संस्कृत में लिखे गए जैन आगमों की पूर्ण व तार्किक परिणति के रूप में व्याख्या की गई है। जैन ग्रंथों में अगला महत्वपूर्ण स्थान है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र व अन्य ग्रंथ। इसमें प्रमुख हैं जैन संत हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन।
इसके अलावा एक है भद्रबाहु चरित्र, जिसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास रचना की दृष्टि से और भी कुछ जैन ग्रंथ हैं जो नंदवंश, मौर्य वंश और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। जैन पुराण और कथाएं भी, जैन पुराण और कथाओं से भी इतिहास की जानकारी मिलती हैं। जैसे जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण जो 8वीं शताब्दी ईस्वी का, जिनसेन और गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण जो 9वीं शताब्दी ईस्वी की, महापुराण को दो भागों में आदि पुराण और उत्तर पुराण में बांटा गया है। ये धर्म दर्शन और नीति व कर्म कांडों का जैन विश्वकोश कहलाता है। कौन? महापुराण, जिनके दो भाग हैं आदि पुराण और उत्तर पुराण। जैन साहित्य में बहुत सारा साहित्य कथा साहित्य के रूप में भी उल्लेख है, जैसे हरिभद्र सूरी का द्वारा रचित कथा कोश, सम्राद्वितीय कथा एवं धूर्ता ज्ञान, उद्योतन सूरी जो 8वीं शताब्दी के विद्वान हुए उन्होंने कुवल्यमाला कथा लिखी, इत्यादि कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब है इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों में धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में पर पहला स्थान आता है लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, जिसमें पहला आता है पाणिनी की अष्टाध्यायी, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा कात्यायन का वार्तिक, चौथा पतंजलि का महाभाष्य, पांचवा गार्गी संहिता, छठा कामंदक नीतिसार। फिर दूसरा आता है ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के काल में आश्रित प्राप्त करने वाले विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जैसे कलण का राजतरंगिणी, कलण जो कश्मीर के राजा के वहाँ था, जिसमें प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक क्या कश्मीर का इतिहास दिया गया है। इसी प्रकार बाण भट्ट जो हर्ष के काल में हुआ, उसका हर्ष चरित्र जिसमें हर्षवर्धन और उनके वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं, जैसे वाक्पति राज का गौड़वो, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय का वर्णन है। एक और है बिलन रचित विक्रमांक देवचरित, जिसमें कल्याण के परवर्ती नरेश चालुक्य, नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। हेमचंद्र द्वारा लिखित कुमारपाल चरित्र, जयनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, संध्याकर नंदी का रामचरित, आनंद भट्टकृत और अन्य ग्रंथ से चौहान वंश पाल वंश सेन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता है क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, जैसे जिसमें प्रमुख हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों चेर चोल पांडे की जानकारी मिलती है और उन ग्रंथों से सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य के दो प्राचीन महाकाव्य हैं शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, इससे भी उस समय की ऐतिहासिक दृष्टि से जानकारी मिलती है। परवर्ती काल में तमिल साहित्य में नंदी कलमकम, जिसमें पल्लव राजा नंदीवर्मा तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ये तो हुई बात तमिल साहित्य से संबंधित, अब है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा में भी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ रचे गए हैं, जैसे ऐसे ग्रंथों में राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग द्वारा रचित कवि राजमार्ग, कवि पंप द्वारा लिखित विक्रमार्जुन विजय, जिसे पंप महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में अपभ्रंश में लिखे गए रासो काव्य ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है, जैसे चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, इसमें चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जीवन व्रत की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार 12वीं शताब्दी में नरपति नाला द्वारा रचित बिसल देव रासो, जगनिक का परमल रासो और खुमान रासो इत्यादि ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। अब महत्वपूर्ण एक आता है विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जानकारी के स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है, यानी जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनको कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में। यूनान व रोम के लेखक, ख चीन के लेखक और ग अरब के
लेखक। अब पुनः यूनान और रोम के लेखकों को कालक्रम के अनुसार तीन हिस्सों में बांटा गया है, जो सिकंदर के पूर्व आए, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद। सिकंदर के पहले आने वाले स्काइलैक्स, हेकाटियस, हेरोडोटस और टीसियस इत्यादि हैं। इसमें सिकंदर के हेरोडोटस का महत्वपूर्ण स्थान है, जो इतिहास का जन्मदाता या पितामह कहा कहलाता है। विदेशी लेखकों के वृत्तांत के बारे में और पुनः पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कभी भी अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से पूर्ण रूप से पृथक नहीं रहा, यानी जुड़ा रहा। इस दौरान बहुत सारे यात्री भारत में आए। यूनानी स्रोतों में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार भारत का उल्लेख है। कालांतर में भारत के प्रति उनकी रुचि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निकोलस सेल्यूकस निकेटर के रूप सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मैगजनिस की इंडिका से जानकारी मिलती है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दरबार की जानकारी एक मैगजनिस की इंडिका से मिलती है, जो कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके अलावा द्वितीय शताब्दी के बीच भारत से संबंधित बहुत सारी यूनानी और लैटिन रचनाओं उपलब्ध हैं, जिसमें एरियन स्ट्रैबो प्लिनी द प्लेडर इत्यादि और एक अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी जैसी रचनाओं से हिंद महासागर के व्यापार की जानकारी मिलती है। ये तो हुई यूनानी स्रोतों की बात। अब चीन से जो आने वाले यात्री थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथों से भारत के इतिहास की जानकारी दे गए। इसमें फाइयान स्वेनजंग इत्यादि प्रमुख हैं। फाइयान भारत में 10 वर्षों तक नालंदा महाविहार में रहा और उसके बाद परवर्ती काल में इत्सिंग भारत में आया था और हेवेनसांग, ये सब चीनी यात्री थे। इन्होंने भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। विदेशी लेखों में अरब लेखों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, जो भारत में व्यापार के लिए आए थे। इसमें कुछ प्रमुख हैं। अरबी लेखों में नौवीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने बगदाद के बयत अल हिकमा नामक एक अकादमी की स्थापना की, जिससे बहुत सारे विद्वान अरबी के लिख ले और उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे। अरबी भाषा में लिखी कलीला व दिमना में भारत सहित विभिन्न जगहों की लोक कथाओं का संकलन किया गया है। धन्यवाद। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में क्या देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण साहित्यिक स्रोतों में पहले ब्राह्मण साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य और फिर हमने देखा विदेशी लेखों के वृत्तांत। वर्तमान में यूनानी लेखक, फिर चीनी लेखक और फिर अंत में अरबी लेखक जो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जाना समझा और अपने ग्रंथों में लिखा। धन्यवाद।